क्या होगा अगर ड्रू मैकइंटायर, ब्रॉक लेसनर, लोगन पॉल और कोडी रोड्स को मौका मिले रोमन रेंस को हराने का इनसाइड एलिमिनेशन चेंबर फॉर द नंबर वन कंटेंडरशिप एट रेसलमेनिया। आज हम यही देखने वाले हैं। 5-6 मेंबर होने वाला है सोलो सिकोवा और मैं प्ले कर रहा हूँ कोडी रोड्स। रोमन ट्राइबल चीफ आएंगे नंबर 6 पर, उसे ही पिन कर सिर्फ मिल सकती है नंबर वन कंटेंडरशिप। मैच शुरू हो गया है और आते ही ड्रू मैकइंटायर ने दे दी है क्लेम और ब्रॉक लेसनर को पिन कर दिया है। और 1-2 ब्रॉक लेसनर के काउट करके मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, ये मैच लेजेंडरी डिफिकल्टी पे चल रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और ड्रू मैकइंटायर ने बड़ी इंटरेस्टिंग मूव का यूज करने का फैसला किया, ब्रॉक को बाहर फेंका और खुद चढ़ चुके हैं टॉप रोप पे। क्या होने वाला है? मैकइंटायर ने किया जंप, ब्रॉक लेसनर नहीं कर पाए खुद को प्रोटेक्ट और एक बार और पिन की कोशिश जो कि होने वाली है नाकामयाब इजीली। ब्रॉक लेसनर है वो, कम से कम 3 फिनिशर तो एवरेज पे लगेंगे ही लगेंगे, सभी को पता है। ओके, ड्रू मैकइंटायर अब क्या करने वाला है देखते हैं। फिर से लेकर चले हैं अंदर, ब्रॉक लेसनर को अंदर बाहर फेंका जा रहा है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रहा है क्योंकि नॉर्मली ब्रॉक लेसनर फेंकता है हर किसी को ऐसे, पर ड्रू मैकइंटायर है सबसे ताकतवर रेसलर्स में, ऐसे ही नहीं आता वो। ऑलराइट, फिर से तारों पर लेकर गया है और इस बार तारों पे ही ब्रॉक लेसनर का मुंह रखकर उसे दबा रहा है। ओके, मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, थोड़े टाइम में होगा जब कोई और बाहर आएगा या फिर मैं बाहर आऊंगा कोडी रोड्स बन के नंबर वन कंटेंडर बनने के लिए। ड्रू मैकइंटायर ने फिर से वही अंदर बाहर वाला ड्रामा किया, पहले बाहर फेंका फिर अंदर फेंका। ड्रू मैकइंटायर अब क्या करने वाले हैं? स्टन बाहर आ चुकी थी ब्रॉक के ऊपर, वैसे अगर ड्रू अटैक करता तो आराम से स्टन कर लेता, पर ब्रॉक ने कर दिया है खुद को सेव और F5 की तैयारी में है। और तीसरा मेंबर जो कि मैं हो सकता हूँ शायद, देखते हैं कौन होने वाला है। और F5 लग चुकी है, स्टन हो चुके हैं ड्रू मैकइंटायर। 1-2 और ये किक आउट, सोलो सिकोवा आए हैं अंदर, देखते हैं सोलो क्या करता है अब अंदर। सोलो सिकोवा ट्राइबल चीफ का सबसे लॉयल बंदा अभी तक के लिए, आते ही सिमोन स्पाइक की कोशिश जो कि हुई नाकामयाब और ड्रू मैकइंटायर ने किया पीटना शुरू, उठाकर फेंक दिया है नीचे और दिखा दिया है कि अब तुम बेटा यहाँ के सबसे बड़े बंदे नहीं हो, तुम बिग लीग में खेल रहे हो ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर के साथ। और क्ले मोर की तैयारी है, 3-2-1 हो चुका है, ब्रॉक लेसनर खड़े देख रहे हैं पर कुछ नहीं किया। और ये आई क्लेम और पिन की तैयारी, 1-2 और सोलो सिकोवा ने कर दिया है किक आउट जो कि हमें एक्सपेक्टेड ही था कि होगा ही होगा। ब्रॉक लेसनर अपने फॉर्म में आते हुए और खिलौने की तरह पटक दिया है ड्रू मैकइंटायर को, अपना फोकस किया है सोलो सिकोवा पर और अटैक करने की फुल तैयारी में। मैकइंटायर ने आकर पीछे से पकड़ा ब्रॉक को और तैयारी है उठाकर फेंकने की मेरे ख्याल से। और राइट, एक छोटा सा मूव था पर सोलो सिकोवा फिर से जाते हैं सिमोन स्पाइक के लिए और इस बार भी कनेक्ट नहीं कर पाए। सोलो सिकोवा तो पिट रहे हैं बड़े आराम से और ब्रॉक लेसनर ने फिर से उठाने की, ओके कमूरा लॉक में फंसा लिया है ड्रू मैकइंटायर को और ड्रू मैकइंटायर ने खुद को छुड़ा भी लिया बड़ी तेजी से। ओके, अब क्या होने वाला है? सोलो सिकोवा ने पकड़ लिया ब्रॉक लेसनर को, तीसरा सिमोन स्पाइक की कोशिश और इस बार फाइनली कनेक्ट कर लिया अपना सिमोन स्पाइक। क्या ब्रॉक लेसनर जाने वाले हैं मैच से बाहर? 1-2 नहीं, अभी नहीं। ओके, क्या मैं बाहर आने वाला हूँ या फिर आएंगे लोगन पॉल, क्योंकि ट्राइबल चीफ का तो हमें पता ही वो 6 पर है। ओके, लोगन पॉल आया है बाहर तो मतलब अगला नंबर है मेरा, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। ओके, सोलो सिकोवा ने अपना फुल जोश दिखाना शुरू कर लिया है और लोगन पॉल ने अटैक करना शुरू किया ब्रॉक लेसनर पर जो कि हो सकती है बड़ी बाहरी गलती उनके लिए क्योंकि ब्रॉक लेसनर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन WWE है। और वही हो रहा है, ब्लॉक हो चुका है सब कुछ और इस वक्त के लिए ब्रॉक कोशिश कर रहा है कि F5 लगा दूं इस यूट्यूबर को, पर फिलहाल के लिए फोकस शिफ्ट किया है ड्रू मैकइंटायर पे अगेन। ओके, अब देखते हैं क्या होने वाला है ड्रू मैकइंटायर। ऑलराइट, लोगन पॉल पागल हो चुके हैं,
उन्होंने ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकनेडर दोनों से पंगे लिए, जो कि काफ़ी भारी पड़ सकता है उसे, और ये पड़ गया बेली टू बेली सुप्लेक्स। अब पूछो लोगन पॉल से जाकर कि सब्सक्राइब करना है चैनल को या फिर नहीं, मेरे को तो कर ही दो। और आई क्लेम और देखते हैं क्या लोगन पॉल जाने वाले हैं, क्या उसका गुड बाय हो चुका है या नहीं। 1 2 और लोगन पॉल ने किक आउट कर दिया, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि क्लेम और के बाद ज़्यादातर लोग किक आउट नहीं करते। ओके, ब्रॉक लेसनर की F5 की तैयारी और सोलो सिकोवा ने बेयर हग में फंसा लिया है, और ये आई F5 बेयर हग में। रेफरी का ध्यान नहीं है, वो इस वक्त सबमिशन पर ध्यान दे रहे हैं, और मैं भी बाहर आने वाला हूँ। कोडी रोड्स इज कमिंग। ओके, ब्रॉक लेसनर को भी पिन करना चाहिए। ओके, लोगन पॉल किक आउट कर चुका है, अब क्या होने वाला है देखते हैं। अगर ट्राइबल चीफ बाहर आया और सोलो सिकोवा यहाँ अंदर हुआ, तब पंगा पड़ जाएगा। ओके, ब्रॉक लेसनर को पड़ चुका है स्कल क्रशिंग फिनाले, और दोनों हो चुके हैं पिन। सोलो सिकोवा बाहर, क्या ब्रॉक भी जाने वाले हैं? मैं तो बाहर आ चुका हूँ, फिलहाल के यही देखते हैं। ओके, दो मेंबर जा चुके हैं, अब ड्रू मैकइंटायर और लोगन पॉल को बाहर निकालना है। मैकइंटायर ने उठा लिया कंधों पर लोगन पॉल को और फेंक दिया है, और मैंने पकड़ लिया आके ड्रू मैकइंटायर को। लेट्स गो, अब इसे दिखाते हैं कि हम कौन हैं। कोडी रोड्स ने भी हमला अपना फुल शुरू किया है, अब यूज़ करता हूँ मैं ये वाली ग्लास को। ओके, कनेक्ट नहीं हो पाई, थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, और ये मुझे मुक्का पड़ गया मुंह पे। ड्रू मैकइंटायर कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, अब क्या होने वाला है। लोगन पॉल की तरफ आया और लोगन पॉल ने खुद को डिफेंड कर लिया, अब मुझे किसे टारगेट करना चाहिए। लोगन पॉल को ही करते हैं, क्योंकि वही फ्री था। ओके, ड्रू मैकइंटायर ने गिराने की कोशिश की, जो कि हुई असफल, और ये हो गया ब्लॉक। लोगन पॉल पीछे, और लोगन पॉल ने फिर से अटैक किया है ड्रू मैकइंटायर पे, इस बार इसे कनेक्ट करने देंगे और फिर अटैक करेंगे। ओके, अब तेरे बाहर जाने का समय आ चुका है। बटरफ्लाई पायर ड्राइवर आ रही है। ओके, ये क्या, लोगन पॉल ने खुद को डिफेंड कर लिया, ब्लॉक कर दिया मेरा मूव। ऑल राइट, ओ माय गॉड, मेरा फिनिशर स्टील किया है मूव थीफ लोगन पॉल। क्या मैं बाहर जाऊंगा? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं, अभी तो बहुत दूर है। और ट्राइबल चीफ भी बाहर आ रहा है, मेरे पास भी मूव थीफ है, मैं किस पर यूज करूंगा। ओके, लोगन पॉल का तो नंबर लग गया, उसे पिन करता हूँ जल्दी से। क्या मैं मूव थीफ अभी भी यूज कर सकता हूँ या नहीं? ओह नो, अब नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे रेजिलेंसी पर आ चुका है। और ट्राइबल चीफ, आते ही तुम्हें दूंगा फिनिशर, ये लो कोडी कटर मिल गया तुम्हें, और हो जाओ पिन जल्दी से, मुझे चाहिए नंबर 1 कंटेंडरशिप। और ये 1 2, और ये किक आउट हो गया। ओह नो, अब थोड़ा सा पंगा पड़ चुका है, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस दोनों 90 से ऊपर हैं, मैं भी हूं पर वो 2 हैं। सिंपल सी बात यह है, मुझे पहले एक को निकालना होगा। ड्रू मैकइंटायर फिलहाल के लिए कमजोर है, तो इसे निकाल देते हैं। ओह नो, रोमन ने मुझे पकड़ लिया और दे मारा एक मुंह पे मुक्का, और आ गए हैं अपनी वही चीप टैक्टिक्स पे, मेरा मुंह दे मारा है फ्लोर पे। ओके, ड्रू मैकइंटायर की कोशिश, मुझे क्लेम और करना चाहता है, आ जा ब्रॉक के लिए मैं भी तैयार हूँ। रोमन रेंस मेरे सामने, ओ माय गॉड, ये तो कुछ अलग ही हो गया, रास्ते में ही रोमन ने पंच कर दिया ड्रू मैकइंटायर को, और ये आया मेरी तरफ से एक तगड़ा सा मूव रोमन रेंस के ऊपर। अब ड्रू मैकइंटायर की बारी, आ जा ड्रू, तेरा नंबर भी लगाते हैं। और राइट टॉप रोप, अब जंप करके इसे जल्दी से एलिमिनेट करता हूँ, और ये आया जल्दी से। ओके, क्या ये होगा पिन? 1 2 3, ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेटेड। अब सिर्फ मैं और ट्राइबल चीफ बचे हैं लेजेंडरी डिफिकल्टी पे, क्या मैं हरा पाऊंगा? ओह नो, ये थोड़ा सा गलत सीन हो गया है, 3 बार मारेंगे तो अब तो वेट ही कर सकता हूँ मैं रोमन रेंस के से पिटने का, क्योंकि ये मूव तो पहले पूरा होगा फिर मैं छूट पाऊंगा। और ये हो गया, काफ़ी सारा डैमेज दिया है मुझे रोमन ने। अरे यार, तुम तारों पे जंप क्यों नहीं करते? ओके, रोमन रेंस क्या करने की तैयारी में,
ओ मैं समझ गया, सुपरमैन पंच और स्पीयर की तैयारी में है रोमन, कहा था मैंने, और मैं ब्लॉक भी कर गया। इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाले। बुलडॉग खाओ और तैयार हो जाओ पिटने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे पास फिनिशर्स की कमी नहीं है, तो जल्दी से एक लगाता हूँ। और राइट, अब देखते हैं पिन के क्या पिन होगा। ओके नहीं हो पाएगा, ओह नो। पर एक्सपेक्टेड ही था, रोमन रेंस 99 ओवरऑल है, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और यार क्यों नहीं जंप करते, कोडी कटर देना है तुम्हें, कोडी कटर देना सीखना होगा। फिलहाल के लिए फ्लाइंग सुपर, इस क्या कहते हैं मूव का नाम भूल गया मैं, कोई बात नहीं छोड़ दो। फिलहाल के पिटाई पे ध्यान दो, रोमन रेंस पिट रहा है मुझसे, जीत रहा हूँ मैं। सोलो स्कोवा यहाँ पे नहीं है तो ईजिली हरा पाऊंगा मैं। और एक बार और इलेक्ट्रिक चेयर दिया है, और आम बार मुझे आम बार था मूव का नाम शायद। और राइट, फिलहाल के लिए मेरे पास रेजिलेंसी है, और ये आई बटरफ्लाई पाइल ड्राइवर, वन ऑफ द नाइसेस्ट मूव्स। ओह माय गॉड, लगता है अब रोमन रेंस के जाने का समय हो चुका है। ऊपर से स्टन भी होने वाला है रोमन रेंस, जल्दी से स्टन करने की कोशिश करूंगा मैं। और ये आई सुप्लेक्स, अभी तक स्टन नहीं हुआ है ये बंदा, क्या है ये। ओके जल्दी 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 उठ। ओके मेरे पास सिग्नेचर रेडी है, इसे यहाँ से उठाना होगा। अरे यार क्या कर रहे हो, हाँ। और ये क्या होने वाला है, और राइट लात पड़ी पेट पे, अब दूंगा सिग्नेचर। और ये आया कोडी रोड्स का सिग्नेचर, और ये पड़ गया फाइनली। स्टन ही थे तो इतनी बड़ी भी हुई नहीं कोई बात। अब देखना, तीन फिनिशर लगाकर रोमन रेंस का करेंगे काम तमाम। ओ नो, ब्लॉक हो गया फिनिशर, कोई बात नहीं, रोमन रेंस के बचना होगा। ओके फिर से रोमन रेंस मेरे ख्याल से तैयारी करेगा, हाँ फिर से आ रहा है, और फिर से मैं ब्लॉक करके इस बार तो फिनिशर दूंगा। जल्दी 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 फिनिशर देना होगा, एक फिनिशर, अब दो और रोमन रेंस का किस्सा यहीं पे हो जाएगा खत्म। देखते हैं क्या होने वाला है। और यह दूसरा फिनिशर, क्या मैं तीसरा फिनिशर लगाकर रोमन रेंस को पिन करके बन पाऊंगा नंबर वन कंटेंडर फॉर हिज टाइटल एट रेसलमेनिया। चलो देखते हैं। अरे यार इसने फिर से ब्लॉक कर दिया, ओ नो। रोमन रेंस अपना गॉड मोड दिखाता हुआ, और मुझे क्या करने वाला है, बाहर फेंक दिया। काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है रोमन रेंस की लगता है। ओके मेरे तरफ धीरे धीरे वॉक कर रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज मिल चुका है रोमन रेंस को भी, और मैं अभी तक पिट ही रहा हूँ, ब्लॉक की ऑप्शन आ नहीं रही है। और राइट ब्लॉक हो गया फाइनली, और मेरी बारी, ये ले। अरे कॉर्नर पे मारा था, ये क्या कर रहे हो। ओके जंप ही करना सही रहेगा मेरे ख्याल से, रोमन रेंस उठ गए। ओ नो, कोडी ये क्या कर रहे हो। ओके ये जंप अच्छा था, पर मुझे कोडी कटर मारना सीखना है फिलहाल के लिए। अरे यार नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं ऐसे ही जंप करूँगा, ड्रॉप किक मारूंगा ऊपर से, आ जा। और ये लगी ड्रॉप किक, मुझे अपना फिनिशर चाहिए जल्दी से, ताकि मैं काम तमाम कर सकूं रोमन रेंज का। ऊपर से जंप करने के बारे में सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो मैं रोमन रेंज को अंदर ही रहना चाहिए। ओके इसे तो अंदर यहीं से भेज दूंगा मैं, अगर रोमन रेंज से आता है। ओके बाहर आया, अब इसे जल्दी से भेजना होगा अंदर, एक मुक्का और तुम चलो अंदर, तुम पर तो मैं जंप करूंगा ऊपर से। ओके क्लाइम 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 क्लाइम, कोड़ी जल्दी से चढ़ जाओ ऊपर, नाइस। लेफ्ट राइट, ओ नो 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 नो, मेरा स्टेमिना खत्म होने वाला है। ओ नो ऊपर से गिर गया, ओ नो 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 नो, रोमन रेंस भी ऊपर चढ़ चुका है, अब ये क्या करने वाला है देखते हैं। रोमन रेंस ने ऊपर से जंप किया है, ओ नो मैं हूं खतरे में, क्या मैं जीत पाऊंगा यहाँ पे, आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके ओ नो, ऑप्शन ट्राई थी नहीं कर पाया ब्लॉक, ओ नो 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 नो, रोमन के पास दो फिनिशर्स हैं और मेरे पास कोई नहीं। रोमन दूर रहो प्लीज, ओ नो, रोमन रेंस स्पीयर की तैयारी फुल ऑन रेडी, क्या मैं ब्लॉक कर पाऊंगा, ब्लॉक नहीं हुआ, ओ नो 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 नो, मुझे लगता है मुझे रेजिलेंसी यूज करनी पड़ जाएगी अब यहाँ पे।
जल्दी से ट्राई करता हूँ ताकि ना करनी पड़े। ओके हो गया फाइनली किक आउट हो गया बिना रेजिलेंस यूज किए। अभी तक तो बचा हुआ हूँ, कोशिश रहेगी कि ऐसे ही बचा रहूँ। ओके मेरे पास सिग्नेचर आ चुका है, मुझे जल्दी से अपना सिग्नेचर यूज करना होगा। रोमन रेंज फिर से मुझे उठा उठा कर पटक रहा है, क्या करा जाए इसका। जल्दी से इससे छूटना होगा कोडी रोड्स, जल्दी से। ओके मेरा सिग्नेचर भी चला गया इस चक्कर में, सुपर किक तो दे दी पर सिग्नेचर जा चुका है, जो कि थोड़ा सा बुरा है क्योंकि सिग्नेचर के बाद जल्दी से फिनिशर आ जाता है। और रोमन रेंस अपने फिर से गॉड मोड के जलवे दिखाता हुआ ब्लॉक कर रहा है। अरे कितनी पावर दिखाएगा, पता है तुझमें पावर है, पावर बम क्यों दे रहे हो। ओके अब क्या करने वाला है रोमन रेंस, नहीं फिर से कॉर्नर पे नहीं यार, अरे यार फिर से ब्लॉक करना होगा। क्या मैं इस बार ब्लॉक कर पाऊंगा, क्या वाई शो होगी। ओके ब्लॉक हो गया, ओके फिनिशर आ गया, जल्दी से रोमन रेंस को उठाना होगा, फिनिशर और जल्दी से पिन, जल्दी कोडी लेट्स गो। और ये लग गया कोडी का फिनिशर, रोमन रेंस पिन, 1 2 3 फाइनली वी हैव वन दिस मैच। चलिएगा दोस्तों मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, जिसमें कोडी रोड्स और रोमन रेंस फेस टू फेस होंगे फॉर द WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया।